हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कॉलर सेट का, जो साइड में हम अटैच करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम कॉलर को रखेंगे और हाला जो है सेट का उसे नापेंगे कि कम है या बढ़ती। इस तरह से हमने चाक से निशान लगा लिया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसमें मिलाएंगे और थोड़ा सा कम है हाला तो उसे हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से इसे बिछाएंगे और कैंची से इस तरह से काटेंगे। इसका राउंड निकालेंगे सही से इस तरह से। अब हम फिर से नापेंगे इसमें। इस तरह से हमने रख लिया हाला को। अब हम नापेंगे फिर से। देखिए दोस्तों, एकदम बराबर आया है तो हमने यहाँ से एक कुटका लगा लिया। अब हम इसे सीधा रखेंगे और जो कॉलर है उसे भी हम सीधा रखेंगे इस तरह से। और इसके जो हमने चाक से निशान लगा रखे हैं, ये सेंटर के निशान है, यहाँ पे मिलाएंगे सही से। और इसमें हम दबाव लेते हुए आधा इंच का लगभग उस हिसाब से इसे दबाव लेते हुए इसे अटैच करेंगे। इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे हम। ये हमने अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से सिलेंगे। इस तरह से ऐसे अटैच करेंगे अच्छे से। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए दोस्तों, इसे इस तरह से अंदर रखेंगे और इधर भी दोनों साइड से हमें नोक नहीं निकलनी चाहिए कॉलर की, इसलिए हमें पहले से ही सिलाई अच्छे से लगानी है। ऊपर से हम आधे कॉलर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें लपकी सिलाई लगानी है कॉलर के ऊपर से। उंगली से इन धागों को अंदर की ओर बढ़ाना है इस तरह से। नोक पर हमें सुई रोकनी है और इसकी स्टोन की जो नोक है उसके ऊपर भी सुई रोकनी है इस तरह से। कपड़े को संभालते हुए हमें कॉलर को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें कॉलर को सही से अटैच करना है। अब हमने जहां से जोड़ा लगाया था वहीं पर हमें टाका लगाना है सही से इस तरह से। ये हमारा कलर चढ़ चुका है। इसके धागे हैं, अब हम कट करेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, किस तरह का कलर बनकर आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।